अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है 2.7 मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपके पास ऐसी मोशन होती है जिसमें एक बॉडी फ्री फॉल मोशन कर रही हो। फ्री फॉल मोशन आप किसे कहते हैं? तो देखिए, नेम से ही पता चल रहा है, फ्री फॉल। जब एक बॉडी फ्रीली फॉल कर रही हो, अब फ्रीली फॉल आपके पास एक बॉडी तब करती है जब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेज ना लग रही हो। मतलब एक्सटर्नल फोर्सेज कौन कौन सी? एयर रेजिस्टेंस आपके पास हो गया। सो आप ऐसा समझिए कि एयर रेजिस्टेंस आपके पास क्या हो, एक बॉडी के ऊपर जब एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर दिया जाए। क्लियर हो गया? एयर रेजिस्टेंस को हम क्या कर दें? नेगलेक्ट कर दें, खत्म कर दें, और सिर्फ उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रही हो, एक ही फोर्स लग रही हो, और वो फोर्स आपके पास कौन सी है? ग्रेविटी। सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है, ओनली ग्रेविटी। उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटी उसके ऊपर लग रही है, सही है ना? तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल मोशन बोलते हैं। तीसरा पॉइंट आप बीच में ये लिख दें कि आपके पास फ्री फॉल केस में या मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में आपके पास जो ग्रेविटी है इसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं? कॉन्स्टेंट लेते हैं। जो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आप ले रहे हैं, ये आप क्या ले रहे हैं? कॉन्स्टेंट ले रहे हैं। कॉन्स्टेंट लेने का मतलब ये हो गया कि आप नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ हैं, नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ। क्लियर हो गया? क्योंकि नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ आपके पास जो इसकी वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है। आपके पास जो एक्सेलरेशन होती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास क्या है? स्मॉल जी से हम इसको डिनोट करते हैं। नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ इसकी जो वैल्यू आपके पास वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अगर फीट में देखें तो आपके पास है 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वेयर। लेकिन हम इसको अगर राउंड ऑफ करें तो अब हम अपनी आसानी के लिए और कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम इसको क्या ले लेते हैं? राउंड ऑफ 10 कर देते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास वो कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहां पर हम कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। आप ये याद रखें, आप इसके कोऑर्डिनेट्स ले लें, सही है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक लाइन है तो आपको ये पता है कि आपके पास ये वाई एक्सिस है और ये आपके पास है, मतलब ये आपके पास प्लस वाई है और ये आपके पास है माइनस वाई। तो जितनी भी वैल्यूज आपके पास इस पॉइंट से ऊपर होंगी, ये आपके पास समझे कि एक रेफरेंस पॉइंट है, ये आपके पास है रेफरेंस पॉइंट। इस पॉइंट से जितनी भी वैल्यूज आप ऊपर लेते हैं तो आपके पास क्या होती हैं? प्लस होती हैं। क्लियर हो गया? और जितनी भी वैल्यूज आपके पास नीचे आ रही हो सारी किसमें होंगी? माइनस में। तो इस सेंस में आप अगर नोट करें, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जमीन के ऊपर है तो ये हमेशा क्या होगा? जमीन इसको यहां पर ग्रेविटी क्या करेगी? इसको नीचे की तरफ खींचेगी। तो जी की वैल्यू आपके पास हमेशा क्या आएगी? जी की वैल्यू आपके पास हमेशा आएगी माइनस, मतलब नेगेटिव आप लेंगे। क्लियर हो गया? एक और आप इसको बोल सकते हैं, मतलब आपके पास की वैल्यू आ जाएगी जी इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। इस तरीके से भी आप इसको ले सकते हैं। तो आपने ये याद रखना है, आप लोग ये मत सोचें कि आप, अक्सर आपको बताया जाता है कि जो भी चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो वो आपके पास नेचुरल प्रोसेस है, और ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव प्लस लेंगे, और नीचे से अगर ऊपर जा रही है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो इसको हम नेगेटिव में ले लेंगे। आप इस कंसेप्ट को छोड़ दें, आप एक न्यू कंसेप्ट देखें कि जो भी चीज़ आपके पास ऊपर से नीचे आ रही है तो उसके लिए आप माइनस वैल्यू ले लें, और नीचे से ऊपर जा रही है तो आप क्या ले लें? प्लस वैल्यू ले लें। तो कुछ कैलकुलेशन करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको आसानी से समझ आ जाएगी। एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, आपके पास जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जैसे कि आपके पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, आपके पास एक ये इक्वेशन है, दूसरी आपके पास है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, और थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अगर हम इसको इन टर्म ऑफ ग्रेविटी ले लें, इन टर्म ऑफ ग्रेविटी अगर हम इन वैल्यूज को लेते हैं तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी इसी तरह आ जाएगा। आप इसको इस तरह लिख लें, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए की जगह आप क्या ले लेंगे, क्योंकि आपके पास ए यहां पर क्या है? वर्टिकल केस में आपके पास ये जी के बराबर है। सो हम यहां पर ए की जगह पर क्या लिख लेंगे? ए की जगह पर हम लिख लेते हैं जी, और टी को टाइम तो आपके पास इसी तरह आ जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपके पास यहां पर है एस। देखें, आपके पास हॉरिजॉन्टल केस में आप क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन आपके पास क्योंकि वर्टिकल केस है तो एक बॉडी जब ऊपर या नीचे की तरफ आती है तो उस एस को हम किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? एच में। क्लियर हो गया? तो हम यहां पर एस को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? एच में, मतलब आपके पास ये हाइट आ गई इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2। ए की जगह दोबारा से हम क्या लिख लेंगे? यहां पर जी लिख लेंगे, और आगे आगे आपके पास टी स्क्वायर। नेक्स्ट आप देखें, यहां पर लिखा है 2as, तो ए आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा जी में और एस आपके पास आ जाएगा एच में, तो आपके पास आ जाएगा 2gh इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक लिया और ये कहते हैं अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। एक स्टोन को हमने एक टावर से ड्रॉप किया, तो लेट सपोज आपके पास एक टावर है, एक बिल्डिंग हम ले लेते हैं, ये ग्राउंड है,
और यहाँ से हमने एक स्टोन, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास स्टोन है और ऊपर से हमने इसको नीचे ड्रॉप किया है, क्लियर हो गया। द स्टोन हिट द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड, तो यहाँ पर जो टोटल टाइम इसको लगता है कितना लगता है 5 सेकेंड का, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल टाइम हो कितना है 5 सेकेंड। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको बोल रहे हैं कि इसकी हाइट फाइंड करो, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी हाइट है, स्टूडेंट आपको कह रहे हैं कि ये फाइंड करो, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पर इसकी हाइट फाइंड करनी है, सो यहाँ से हम डेटा निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपके पास जो गिवन डेटा है, तो हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से करेंगे, आपके पास गिवन डेटा, तो गिवन डेटा में आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, टाइम आपको दिया गया, तो हम यहाँ पर लेते हैं टाइम, टाइम आपके पास है 5 सेकेंड, क्लियर हो गया। अब आप खुद सोचिए कि बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई है, बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई है, स्टोन को यहाँ से फेंका गया, तो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, शुरू में तो यहाँ पर रेस्ट पे था, ड्रॉप का मतलब कि अपने यहाँ पर रखा और यहाँ से इसको छोड़ दिया, तो लाजिम बात है शुरू में इसका हाथ भी रेस्ट पर था और ये जो इसके पास स्टोन होगा वो भी क्या होगा, रेस्ट पर ही होगा, तो लाजिम बात है उस टाइम पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, होगी 0 मीटर पर सेकेंड, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं 0, क्लियर हो गया, मीटर पर सेकंड भी चलो साथ लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी फाइनल वेलोसिटी, जब यहाँ पर ग्राउंड को टच करने से पहले, ग्राउंड को टच करेगा तो तब तो ये रेस्ट में आ जाएगा, क्लियर हो गया, जो भी है, लेकिन आपके पास है समझे कि टच होने से पहले यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी हमने वो फाइंड करनी है, वो क्या होगी। एक और चीज़ देखें, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, ग्रेविटी के बराबर, और यहाँ पर ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पर हम ग्रेविटी क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, क्लियर हो गया। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो लाजिम बात है स्टोन के ऊपर ग्रेविटी लग रही है, तो हम ले लेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपके पास जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड डेटा, वो आपके पास क्या है, आपको फाइंड करनी है दो चीज़ें, फर्स्ट आपको हाइट फाइंड करनी है, पहला केस आपके पास है हाइट ऑफ टावर आपने फाइंड करनी है, और दूसरी जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो है वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, तो हमने सबसे पहले फाइंड करना है h, तो h आप अगर नोट करें, h फाइंड करने के लिए आपके पास कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन आप देखें इन टर्म ऑफ ग्रेविटी, तो उसकी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, हम लिखेंगे h इक्वल टू vit, तो vi आपके पास कितना है 0, मल्टीप्लाई टी आपके पास कितना है 5, प्लस 1/2 लिखा, आपके पास g है, जी टी स्क्वेयर है, तो g आपके पास कितना है -10, आपके पास t कितना है 5, और फिर इसका ले लेना है स्क्वेयर, h इज इक्वल टू 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखें प्लस माइनस से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस से आपके पास आ जाएगा -2 1s और 2 5s, तो आपके पास यहाँ पर आ गया 5, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपके पास 5 का स्क्वेयर लें आपके पास आ जाएगा 25। नेक्स्ट आप देखें आपके पास h इज इक्वल टू 5 को 25 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आ जाएगा 125, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा मीटर, यहाँ पर आपके पास आ रहा है माइनस। अब आप यहाँ पर नोट करें इस माइनस का क्या मतलब है, इस माइनस का मतलब यह है कि बॉडी आपके पास, मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ आपके पास नीचे जा रही हो तो इसका मतलब क्या है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, और नीचे से ऊपर जा रही हो तो आपके पास क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर इस माइनस का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव हाइट है, इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्शन के, ये जो आपके पास माइनस है ये आपको क्या शो करता है, ये आपको साइन शो करता है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इसकी किधर है, डाउनवर्ड। तो स्टूडेंट्स आप देखें हमने फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी आप फाइंड करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ ग्रेविटी ले सकते हैं, आपके पास लिखी है, तो हमारे पास है जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2gh इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, 2 लिखा, g आपके पास है -10, h आपके पास कितना है ये रहा, तो हम पूरी वैल्यू लिख लेंगे -125 इक्वल टू vf आपके पास कितना है, vf हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स, यही चीज़ हमने करनी है फाइंड, और आप नोट करें तो vi तो आपके पास है 0, सो मैं इसको यहाँ पर क्या कर लूँगा 0, इसको हम बीच में लिखते ही नहीं है क्योंकि आपके पास वैसे भी 0 ही आना है। नेक्स्ट आप देखिए माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वी एफ स्क्वेयर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2500 आ जाएगी, क्लियर हो गया, और यहाँ पर आपके पास जो इसका यूनिट आता है वो भी आता है मीटर स्क्वेयर आ जाएगा, पर सेकेंड स्क्वेयर आ जाएगा। हम इसके ऊपर अगर अंडर रूट अप्लाई करें, क्योंकि आपके पास स्क्वेयर रूट है, स्क्वेयर है, तो आप इसके ऊपर अगर अंडर रूट अप्लाई करेंगे, सो आप अगर नोट करें तो इससे आपके पास कटिंग हो जाएगी, आपके पास आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। सो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी आई है वो आपके पास क्या 50 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर आपके पास इस स्टोन की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 50 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ से आपको एक कंसेप्ट समझ आ गया कि आपके पास जब भी एक चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है तो उसके लिए हम ले लेते हैं पॉजिटिव, चाहे वो हाइट है, एक चीज़ अगर नीचे से ऊपर जाए तो आप हाइट को क्या ले लोगे, प्लस में ले लोगे, और इसी तरीके से अगर एक चीज़ नीचे आ रही है तो आप इसके लिए क्या ले लोगे, माइनस, चाहे वो ग्रेविटी हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, या जो भी हो, तो आप उसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव में ले लेंगे। इस लिहाज से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया।
एग्जाम्पल नंबर टू स्टूडेंट्स देखें, एग्जाम्पल नंबर टू आपके पास देखें, ये ऐसा केस है कि जिसमें आपके पास एक बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है। इससे पिछला जो केस था उसमें आपके पास बॉडी ऊपर से नीचे आ रही थी। अब यहाँ पर मैंने अपोजिट केस लिया, अपवर्ड आपके पास केस है, सही है। यहाँ पर आपके पास अपवर्ड केस है, तो यहाँ पर बोलते हैं बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड। तो एक बॉय है, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज एक बॉय है, और ये एक बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करता है। इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉल इस स्टूडेंट ने, इस बच्चे ने यहाँ से ऊपर फेंका, तो ये जब ऊपर गया और फिर वापस आया ग्राउंड तक, तो यहाँ पर इसने टोटल कितना टाइम लिया, मतलब टोटल टाइम जो इसने लिया 5 सेकेंड ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितना टाइम लिया, 5 को हाफ कर दें 2.5, और फिर वापस आने में भी कितना टाइम लिया, 2.5। तो इसने एक ऊपर तक जाने में, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लिया, 2.5 सेकेंड लिया। क्लियर हो गया, इस चीज का आपको अंदाजा होना चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या कहते हैं, फाइंड करना है इसकी मैक्सिमम हाइट, मतलब यहां से लेके यहां तक इसने टोटल कितनी हाइट गेन की है। ऊपर की तरफ जा रहा तो आपके पास हाइट किस में आएगी, प्लस में आएगी। वेलोसिटी विद विच बॉल थ्रोन्स अप, यहां पर इस पर्सन ने, इस बॉय ने जिस वेलोसिटी से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से इसको फेंका, वो कितनी थी, हमें दो चीजें फाइंड करनी है। अब आप खुद सोचें, यहां पर लास्ट पॉइंट पर जब पहुंचेगा, तो आपको भी पता है कि एक चीज को हम जब ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी ऐसा ऐसा क्या होती जाती है, डिक्रीज होती है, और लास्ट पॉइंट पर जाके यहाँ पर आके जिसके बाद दोबारा से रिटर्न करता है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी ये आपके पास होती है जीरो। सो हम यहाँ पर डेटा ले लेते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेंगे गिवन डेटा लेते हैं। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है टाइम, तो आप देखें तो टाइम आपको जो दिया हुआ है, टाइम वन जो टोटल टाइम आपके पास वो कितना है, 5 सेकेंड। लेकिन हमें यहाँ पर टोटल टाइम नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर सिर्फ ये चाहिए, तो टोटल टाइम है यहाँ से जाने वापस आने, हमें सिर्फ चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो टाइम लिया वो कितना है। तो इसने जो आपके पास यहाँ से लेके ऊपर तक जाने में जो टाइम लिया वो लिया है 2.5 सेकेंड। आपने क्या करना है, 5 को डिवाइड कर दो 2 पर, तो आपके पास आ जाएगा 2.5 सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट आप देखें तो आपके पास बाकी कोई भी चीज़ नहीं है, आपके पास ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है। फाइनल वेलोसिटी आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। सिमिलरली आपके पास जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप नोट करें तो नीचे से आपके पास ऊपर जा रहा था, मैंने आपको बताया कि जब भी एक चीज़ नीचे से ऊपर जा रही तो हम इसके लिए क्या ले लेंगे, पॉजिटिव में लेते हैं, सही है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। क्लियर हो गया, हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। रिक्वायर्ड डेटा में हम यहाँ पर लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड डेटा आपके पास है, एक हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है मतलब h, और दूसरी आपको चीज़ फाइंड करनी है इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर हम ले लेते हैं हाइट, तो हम पहले फाइंड नहीं कर सकते, पहले हम फाइंड कर लेंगे इसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो हम यहां पर जो पार्ट नंबर टू है इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, सही है। तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ ग्रेविटी आपके पास क्या है, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस Gt। स्टूडेंट्स इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे, आपके पास फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी आपके पास है जीरो, इक्वल टू Vi आपको करना है फाइंड, प्लस जी आपके पास कितना है 10, मतलब प्लस 10, और टी आपके पास कितना है, टी आपके पास है 2.5। अब यहां पर आप नोट करें तो 10 को इस 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 को आप इसी तरह छोड़ दें, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यहां पर आ जाता है, इसको इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 25। नेक्स्ट आप ऐसा कर दें कि इसको आप दूसरी साइड पर शिफ्ट करें तो आपके पास आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। सो ये वैल्यू जो आपके पास आई है, ये आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट हम फाइंड करते हैं जिसमें हमने हाइट फाइंड करें, तो आप खुद सोचें हाइट फाइंड करने के लिए आपके पास जो अच्छा फॉर्मूला है वो आपके पास क्या, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका इन टर्म ऑफ ग्रेविटी आपके पास है एच इक्वल टू Vi t प्लस 1/2 Gt स्क्वेयर। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, एच इज इक्वल टू Vi आपके पास कितना है, Vi हमने फाइंड कर लिया, ये है 25 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं टी से, तो टी आपके पास है 2.5। क्लियर, प्लस 1/2, जी आपके पास कितना है, जी आपके पास है 10, और टी आपके पास कितना है 2.5 स्क्वेयर। एच इक्वल टू, इनको इससे आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास से आ जाता है स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज को मैंने कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 62.5 मीटर प्लस, और यहाँ पर इन तीनों वैल्यूज को आपस में जब स्क्वेयर लिया और फिर इससे मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड किया तो हमारे पास आता है -31.25 आ गया। क्लियर हो गया, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और भी, 62.5 मीटर को प्लस माइनस -31.25 ये भी मीटर में है, सो आपके पास इससे आ जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें इससे आ जाएगा 31.25 मीटर। तो आपको ये भी पता चल गया कि इसकी जो फाइनल हाइट है, मतलब जो मैक्सिमम हाइट इसने गेन की है वो कितनी है, 31.25। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, तो हमने दो केसेस सॉल्व किए, एक आपके पास अपवर्ड था और एक आपके पास था डाउनवर्ड। क्लियर हो गया।